हेलो फ्रेंड वेलकम टू इजी ट्रॉनिक आज के ट्यूटोरियल में हम लोग आरटीनो प्रोजेक्ट विद एलसीडी पे वर्क करेंगे चलिए शुरू करते हैं कैसे एलसीडी को आरटीनो से इंटरफेस करते हैं सबसे पहले न्यू प्रोजेक्ट के हम लोग जाएंगे टिनकर कैट पे क्लिक करके न्यू प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे फिर आके क्रिएट अ न्यू सर्किट पर क्लिक करके न्यू प्रोजेक्ट हमारा ओपन हो जाएगा ये हमारा न्यू प्रोजेक्ट ओपन हो गया है सबसे पहले हम लोग आर्डिनो सर्च कर लेंगे आर्डिनो को क्लिक करके ड्रॉप कर लेंगे अब हम लोग एल सर्च करेंगे एल 16 सिक्सटीन क्रॉस टू एल को सेलेक्ट कर लेंगे और एक ब्रेड बोर्ड ले लेंगे ये हमने ब्रेड बोर्ड ले लिया यह हमारा ब्रेड बोर्ड है एल को हम लोग इस पर पिन पे पुट कर देते हैं एल हमने जिसे इस पिन पे पुट कर दिया ये देखिए ये पिन हमारी देखिए ब्रेड बोर्ड हमारा सीरीज कनेक्शन ये हमारा क्या है सीरीज कनेक्शन अगर हम यहाँ बी सी देंगे तो पूरा आखिरी तक जाएगा यहाँ पे नेगेटिव देंगे तो ये पूरा आखिरी ये सीरीज कनेक्शन होता है ये पैरेलल होता है ये फाइव फाइव पिन का होता है नीचे से इनबिल्ड होता है अब हम लोग कनेक्शन करते हैं एक हम लोग को पोटेंशियल मीटर की ज़रूरत होगी तो उसको भी ले लेते हैं पोटेंशियो मीटर या आपका पोटेंशियो मीटर है इसको हम लोग ले लिए। अब हम लोग कनेक्शन करते हैं सबसे पहले हम लोग कनेक्शन फाइव वोल्ट का करते हैं ब्रेडबोर्ड के अंदर फाइव वोल्ट को फाइव वोल्ट से कनेक्ट कर देंगे बोर्ड से कनेक्ट कर देंगे ये हमने ब्रेड बोर्ड से कनेक्ट कर दिया अब हम लोग जी पिन को मीन्स ग्राउंड पिन को ब्रेडबोर्ड से कनेक्ट करेंगे ये हमने कनेक्ट कर दिया अब हमारा देखिए इसको ब्लैक कर लेते हैं जिससे हमें आसानी हो सर्किट समझने में देखिए ब्लैक पिन पूरी आप यहाँ तक पूरी ब्लैक यूज़ कर सकते हैं यहाँ तक पूरी आपको वी -सी -सी पिन मिलेगी अब इसको जूम करके एल को कनेक्ट करते हैं देखिए एल सी में आप देख रहे हैं ये ग्राउंड पिन है ये वी पिन है ये एल एनोड है एलईडी कैथोड है तो ग्राउंड को ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं हमने ग्राउंड को ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया ये वीसीसी है तो वीसीसी से कनेक्ट कर देंगे इसको ब्लैक कर देते हैं और इसको रेड करते हैं इसी तरीके से एलईडी एनोड, एनोड मतलब क्या होता है पॉजिटिव तो पॉजिटिव में कनेक्ट कर देंगे कैथोड मतलब नेगेटिव नेगेटिव ब्लैक कर देंगे और इसको एलईडी कैथोड मतलब कि एलसीडी डिस्प्ले के अंदर जो एलईडी जलती है उसको पावर दिया जाता है और जो नाम लिखता है वो इसमें पावर रहती है ये दो से नाम के लिए डिस्प्ले होगा इन दोनों से एलईडी का जो लाइटनेस ब्राइटनेस होगी उसमें पावर जाता है अब हम लोग कनेक्शन करते हैं एक पोटेंशियोमीटर हमने लिया था ये हमारा पोटेंशियोमीटर है देखिए पोटेंशियोमीटर में टर्मिनल वन को हम लोग ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे और टर्मिनल वन को बीते से कनेक्ट कर देंगे और मिडिल पिन जो है हम कनेक्ट करेंगे मिडिल पिन हम लोग कर देंगे एल सी डी के थर्ड पिन से थर्ड पिन कौन सी हमारी वी पिन से वी पिन से हम लोग एल को कनेक्ट कर देंगे इसको ब्लैक करते हैं इसको तो रेड अब हमारा देखिए एल का आर पिन जो है आर पिन हम लोग Arduino की कोई भी पिन पे कनेक्ट कर देंगे एल और Arduino, Arduino की सिक्स पिन यूज़ करते हैं जो एल में कनेक्ट करते हैं हम लोग यूज़ कर लेते हैं ट्वेल्व अलेवन टेन नाइन एट सेवन आप कोई भी कोई भी पिन ले सकते हैं जैसे हमने आर डब्लू को हमने किस पे कनेक्ट कर दिया आरडीनो के ट्वेल्व पिन पे। ये हमने कनेक्ट किया आप कोई भी पिन ले सकते हैं और ये देख आर एस है ये आर डब्लू सेकेंड पिन क्या है हमारी आर डब्लू है आर डब्लू में हमें ग्राउंड देना है नेगेटिव देना है तो हम यहाँ नेगेटिव दे देते हैं ब्लैक करते हैं को दूसरा कलर कर लेते हैं ग्रे इसी तरीके से अब हम लोग ई पिन है एल सी डी की ई पिन किस पे कनेक्ट करेंगे आयोजनों के दूसरे पिन पे, मतलब अलेवेन पिन पे कनेक्ट कर देते हैं देखिए अब इसके बाद हम लोग चार पिन को नहीं यूज करेंगे डी वन डी जीरो डी वन डी टू डी थ्री पिन को हम लोग नहीं यूज करेंगे अब डायरेक्ट डी फोर पिन पे कनेक्ट करेंगे डी फोर पिन ले जाएंगे हम लोग आज की टेन पिन से कनेक्ट कर देंगे हमने टेन पिन से कनेक्ट कर दिया इसी तरीके से डी फाइव पिन हम लोग दूसरे पिन से आर्जिनो में कनेक्ट कर देंगे नाइन पिन से आर्जिनो की नाइन पिन से डी फाइव कनेक्ट कर दिया हमने ये आर्जिनो की सिक्स पिन यूज करेंगे सिक्स पिन हम लोग आर्जिनो की एट पिन से कनेक्ट कर देंगे हमने एट पिन से कनेक्ट कर दिया और ये लास्ट पिन जो है जी सेवन पिन जी सेवन पिन हम लोग हार की सेवन पिन से कनेक्ट कर देते हैं हमने सेवन पिन से कनेक्ट कर दिया ये हमारा सर्किट पूरी कंप्लीट हो गई है एलसीडी की इसी तरीके से आपको हार्डवेयर में भी सेम एज इट इज़ कनेक्शन करना है एलसीडी के चार पिन इधर यूज़ करनी है डी जीरो डी वन डी टू डी थ्री पिन नहीं यूज़ करनी है आर एस पिन को हम लोगों ने आईजिनो के पिन में देना है कोई भी पिन पे और आर डब्ल्यू पिन जो होता है रीड एंड राइट ये ग्राउंड से कनेक्ट होगी देखिए ग्राउंड से कनेक्ट करना था हमने किस पे कनेक्ट कर दिया वी सी सी में कनेक्ट कर दिया तो ये कनेक्शन गलत हो गया है इसको हम लोग वी सी सी में कनेक्ट कर देते हैं इसको डिलीट करते हैं नॉर्मल क्लिक करेंगे और ये डिलीट का ऑप्शन है इस पर डिलीट कर देंगे इसको हम लोग ग्राउंड से कनेक्ट करना है ये हमने ग्राउंड पे कनेक्ट कर दिया है तो ब्लैक कर देते हैं ये हमारा पूरी सर्किट कंप्लीट हो गई है अब हम लोग कोड को देखते हैं यह हमारा कोड है एलसीडी का सिंपल कोड है देखिए हैश इंक्लूड लिक्विड क्रिस्टल डॉट है जब भी डॉट एच लगा होता है ये कोई हेडर फाइल है यह एलसीडी की लाइब्रेरी है यह आपको डालना ही डालना यह आर्जोनो आईडी आद। इसके अंदर इनबिल्ड है एलसीडी की यह लाइब्रेरी है इसी के तरीके से हमें पिन डिफाइन करना है तो क्या लिखेंगे एल सी डी क्रिस्टल लिक्विड क्रिस्टल एल सी डी को हम लोग लिक्विड क्रिस्टल बोलते हैं तो लिक्विड क्रिस्टल एल सी डी एल कैपिटल होगा सी कैपिटल होगा एल सी डी देखिए हमने कनेक्ट किया है ट्वेल्व अलेवन टेन नाइन एट सेवन तो ट्वेल्व अलेवन एट नाइन सेवन एट सेवन इसी तरीके से आप अगर यूज़ कर लेते हैं एट सेवन सिक्स फाइव तो आप यहाँ पे लिखते हैं एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री जो पिन इधर से जो इधर से पिन जो भी कनेक्ट होगा मतलब इधर से पिन आपको कनेक्ट करना है जो जो पिन पे कनेक्ट करेंगे वो इधर से ऐसे लिख देंगे अगर हम लोग सेवन से स्टार्ट करते हैं सेवन पे अगर आर जब आर एस पिन कनेक्ट करते हैं और एट पिन हम लोग इस पर ई पे कनेक्ट करते हैं तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं सेवन एट नाइन टेन अलेवन ठीक है अब वॉइस सेटअप में हम लोग को डिफाइन करना है कौन सी एल सी डी हम यूज़ कर रहे हैं हम एल सी डी यूज़ कर रहे हैं सिक्सटीन क्रॉस टू मतलब सिक्सटीन कॉमर टू इसका मतलब होता है कि सिक्सटीन लेयर ऊपर होते हैं मतलब सिक्सटीन अल्फ़ाबेट आप ऊपर लिख सकते हैं सिक्सटीन अल्फ़ाबेट आप नीचे लिख सकते हैं मतलब टोटल थर्टी टू अल्फ़ाबेट आप यूज़ कर सकते हैं जैसे इजी इजीट्रॉनिक में कितने नाम हो गए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ दस हो गए तो दस बॉक्स ऊपर के भर जाएंगे और फोर बॉक्स खाली रहेंगे तो मतलब कि ये थर्टी टू अल्फ़ाबेट आप एक एल में यूज़ कर सकते हैं इसी तरीके से सिक्सटीन क्रमा फो सिक्सटीन कॉमा फोर आती है तो उसका लेयर एक दो तीन चार हो जाएगा इसीलिए इसको कहते हैं सिक्सटीन कामा टू सिक्सटीन लेर ऊपर है सिक्सटीन लेयर, लेयर नीचे है कामा फोर हो जाएगा तो चार लेयर हो जाएगी एक दो तीन चार इसी तरह वर्ड लूप में हम क्या लिख रहे हैं एल सी डी डॉट सेट कर्सर सेट कर्सर से हमें बताना है एल सी डी के किस पोजिशन पर जैसे ये फर्स्ट बॉक्स है तो क्या होता है ज़ीरो कॉमा ज़ीरो सेकेंड बॉक्स होता है ज़ीरो कॉमा वन देखिए अगर यहाँ पे वन करेंगे तो हमारे डिस्प्ले नीचे से लिखेगा अगर हम लास्ट पर राइट साइड में अगर यहाँ जीरो लिखेंगे तो डिस्प्ले में ऊपर लिखेगा और इधर साइड हम लोग कितना चेंज कर सकते हैं अल्फ़ाबेट हमें कहाँ से लिखना है वन पे जीरो पे से लिखना है थ्री से लिखना है या फोर से लिखना है अभी हम लोग प्रैक्टिकली इसको देखेंगे ये देखिए हमने जीरो कॉमा वन दिया है तो ये नीचे लिखेगा जीरो कॉमा जीरो है तो ये ऊपर लिखेगा अब इसको प्रैक्टिकल हम लोग देख लेते हैं इसको पूरा कोड कॉपी करते हैं और इसमें पेस्ट कर देते हैं इसमें सेलेक्ट करते हैं टेक्स्ट टेक्स्ट का ऑप्शन सेलेक्ट करके कंटिन्यू इसको डिलीट कर देते हैं अब यहाँ टेक्स्ट को कॉपी करते हैं अब ये देखते हैं इस कोड को हम लोग स्टार्ट सिमुलेशन करते हैं और इसका आउटपुट देखते हैं देखिए एलसीडी पे ब्रस्टिंग आ रही मतलब एल आपकी ख़राब हो जाएगी तो हमने एक रेजिस्टेंस नहीं यूज़ किया है तो चलिए सबसे पहले रेजिस्टेंस यूज कर लेते हैं ग्राउंड तो में एक रेजिस्टेंस लगाना था हमें जो हम भूल गए तो एक रेजिस्टेंस लेते हैं ग्राउंड में रेजिस्टेंस लगा दिया ये रेजिस्टेंस ग्राउंड से कनेक्ट हो जाएगा लैक कर दें हार्डवेयर में आप लोगों को इस पोटेंशियो को टेन के का यूज़ करना है हार्डवेयर अगर आप यूज़ करेंगे तो टेन के का यूज़ करेंगे टेन के पोटेंशियो अब स्टार्ट सिमुलेशन करते हैं ये हमारा डिस्प्ले ऑन हो गया है देखिए डिस्प्ले ऑन हुई ये हमने पोटेंशियो को रोटेट करेंगे हमें जहाँ पे डिस्प्ले मिल जाएगा वहाँ पे हम पुट कर देंगे ये देखिए अब हमारा नाम आ गया हेलो फ्रेंड ट्रॉनिक तो भी यूज करेगी तो पोटेंशियोमीटर को रोटेट करके देख लीजिएगा कहा पास आपकी वैल्यू आती है अब हम लोग कोड को और समझते हैं जैसे हमने बताया था ये इसको डिलीट करते हैं डिलीट करना होगा तो स्टॉप करके काम करेंगे जो भी करना हो। कोड को डिलीट करते हैं अब देखते हैं हमने क्या बताया जीरो कॉमा जीरो तो हमारा स्टार्टिंग कहाँ से होगा यहाँ से स्टार्ट करके सिमुलेशन देखते हैं देखिए तो हेलो फ्रेंड हमारा फर्स्ट बॉक्स स्टार्ट हो गया अब इसी तरीके से हम लोग इसको नीचे लिखना चाहते हैं तो ज़ीरो कॉमा वन कर देंगे तो हमारा डिस्प्ले नीचे आ जाएगा ये देखिए नीचे पोशन में इसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पर डिस्प्ले में कर देते हैं फाइव तो हमारा देखिए फाइव बॉक्स फाइव बॉक्सेज स्टार्ट होगा सिक्स बॉक्सेज स्टार्ट होगा ये देखिए देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स मतलब लेफ़्ट साइड में आप बॉक्स की नंबरिंग डिफाइन कर दें मतलब सिक्सटीन अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं उसमें से आप जीरो से सिक्सटीन यहाँ डिफाइन कर सकते हैं और ज़ीरो वन मतलब वन मतलब नीचे ज़ीरो मतलब ऊपर इसी तरीके से हम लोग ऊपर नीचे अप डाउन में लिखते हैं हेलो फ्रेंड हम लोग ऊपर लिख लेते हैं स्टॉप तो करके चेंज जो भी चेंजेस करने होंगे आपको स्टॉप करके चेंजेस करना है जीरो फाइव कॉमा जीरो करते हैं और नीचे हम लोग जीरो कॉमा वन कर देते हैं इजिल कोई भी आप नाम लिख के इसको डिस्प्ले कर सकते हैं देखिए यहां वन स्पेस है तो यहां पे भी एक वन स्पेस रहेगा देखिए प्ले करते हैं देखिए वन स्पेस वन बॉक्स का स्पेस है यहाँ फाइव बॉक्स का स्पेस मतलब अगर आपने स्पेस यहां पे कर दिया तो भी आपका स्पेस डिस्प्ले में भी आएगा अगर स्पेस नहीं करना है यहाँ पे अगर लिख देंगे जैसे हमने वन स्पेस है और टू लिख दिया तो टोटल कितना हो गया थ्री ठीक है एल में थ्री के बाद होगा वन टू थ्री फोर से स्टार्ट हो गया इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हमसे हम उसका आपको रिप्लाई करेंगे आपको बताएंगे कोई भी प्रॉब्लम हो ये एक सिंपल सा एलसीडी का प्रोजेक्ट था और आगे बहुत सा एलसीडी का प्रोजेक्ट को इंटरफेस सेंसर जैसे पीआईआर सेंसर हमने बताया था तो उसकी वैल्यू हम लोग एल के डिस्प्ले में शो करेंगे एक बार फिर से कनेक्शन देख लीजिए हम फिर से दिखा देते हैं ग्राउंड को ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे वीसीसी को वीसीसी से वी डब्ल्यू को हम लोग पोटेंशियल मीटर की मिडिल पिन पे पोटेंशियल मीटर का फर्स्ट टर्मिनल आप नेगेटिव में कनेक्ट करिए चाहे पॉजिटिव में मतलब एक पॉजिटिव कनेक्ट करना है एक नेगेटिव कनेक्ट करना है दोनों में से किसी को किसी में कनेक्ट कर सकते हैं मगर मिडिल पिन हमें कहाँ कनेक्ट करनी है वी ज़ीरो पिन पर वी ज़ीरो पिन पर मिडिल पिन यूज़ करनी है और ये देखिए आर एस पिन हमें आदिनों को यूज़ करना है और आर डब्लू रीड एंड राइट ये ग्राउंड से कनेक्ट होगी हार्डवेयर में भी सेम कनेक्शन है हार्डवेयर अगर आप लेंगे तो सेम कनेक्शन है ई e पिन को भी आर से कनेक्ट करना है उसके बाद डी ज़ीरो डी वन डी टू डी थ्री पिन आपको नहीं यूज़ करनी है उसके बाद डी फोर डी फाइव डी सिक्स डी सेवन यूज़ करनी है और ये दोनों पिन आपको VCC सी सी से और ग्राउंड से कनेक्ट करनी है अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर सकते हैं प्लीज़ इस पेज को शेयर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि अगली वीडियो का आपके पास नोटिफिकेशन आ सके थैंक यू फ्रेंड